अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सुबह 1 बजे कहें या रात 1 बजे, 16 दिसंबर 1 AM के करीब करीब जो है आपका MD कैट का रिजल्ट आया था और दिन को काफ़ी कुछ हुआ और मेनली जो सिंध हाई कोर्ट का केस था उसका डिसीजन आया और उसके बाद रिजल्ट डिलीट हुआ। ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और फर्दर जो अपडेट्स वगैरह हैं वो आपसे शेयर करेंगे। और स्टार्ट करते हैं, ये जिब्रान नासिर सर का ट्वीट है और इस पे डिस्कस करते हैं। उससे पहले जब रिज़ल्ट आया था रात को तो उसमें दो मेजर जो इश्यूज थे, एक तो था कि एब्सेंट कुछ स्टूडेंट्स का शो हो रहा था और दूसरा कुछ पेरेंट्स ने मुझे बताया कि गज़ट में उसमें रोल नंबर कोई और था, नेम कोई और था, मार्क्स कोई और थे, किसी और प्रोविंस के KPK के स्टूडेंट्स के आगे पंजाब प्रोविंस लिखा था। तो इस तरह गज़ट में भी काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ थे, तो ये सारे इश्यूज़ और ग्रेस मार्क्स भी स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग उनको ग्रेस मार्क्स नहीं दिए गए। तो ये जो चीज़ें थी वो मद्देनज़र रखते हुए जो जिब्रान नासिर ने ये दो पॉइंट्स भी ऐड किए कि रिज़ल्ट में काफ़ी इश्यूज़ हैं और मैच नहीं कर रहा रिज़ल्ट और जो एब्सेंट वगैरह, ये भी इशू कोर्ट में पेश किया जिब्रान नासिर ने, तो इस पे भी जो है रिप्लाई मिला। तो अभी पहले मैं जो सिंध हाई कोर्ट के जो हियरिंग है उसका आपको बताता हूँ, उसके बाद फिर दूसरी चीज़ें डिस्कस करते हैं। ये आप देख रहे हैं जिब्रान नासिर सर की पोस्ट है, इसमें उन्होंने बताया कि MD कैट ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट वाज प्लीज टू डायरेक्ट PMC टू सबमिट रिप्लाई टू आवर पटिशन इंक्लूडिंग क्लेम ऑफ क्वेश्चंस बीइंग आउट ऑफ सिंध एंड PMC सिलेबस। वी आल्सो इन्फॉर्म्ड कोर्ट इशू ऑफ नेम्स नॉट मैचिंग रोल नंबर्स इन रिजल्ट लिस्ट। सिंध हाई कोर्ट आल्सो आस्क्ड PMC टू रिप्लाई ऑन इट नेक्स्ट हेयरिंग 4 जनवरी। अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो जो सिलेबस से बाहर MCQs थे उसका मेनली जिब्रान नासिर सर ने केस फाइल किया होता आउट ऑफ MCQs का, एक ये चीज़ है। इस पे जो PMC ने, हाई कोर्ट ने PMC से जवाब तलब किया है, और दूसरा जो लिस्ट में नेम्स वगैरह मैच नहीं कर रहे थे, रोल नंबर मैच नहीं कर रहे थे, इस रिलेटेड अब दो ये चीज़ें हैं। अब इस पोस्ट क्या नेक्स्ट पोर्शन डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद जो है इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। इसमें इसी का रिप्लाई किया जिब्रान सर ने कि सिंध हाई कोर्ट हैज़ नॉट स्टॉप्ड एडमिशन प्रोसेस नॉर हैज़ इट रेस्ट्रेंड PMC फ्रॉम इशूइंग मेरिट लिस्ट। स्टूडेंट्स आर टू कैरी ऑन विद देयर रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन इन द मीनवाइल। प्लीज नोट, स्टार्ट ऑफ एडमिशन प्रोसेस डज नॉट बार कोर्ट फ्रॉम ऑर्डरिंग MD कैट टू बी रिकंडक्टेड इफ इट सो प्लीजेज। इसमें उन्होंने कहा है कि सिंध हाई कोर्ट ने PMC को एडमिशन प्रोसेस करने से नहीं रोका, मेरिट लिस्ट वगैरह नहीं लगाने से नहीं रोका, तो आपने जो भी पोर्टल वगैरह ओपन होगा उस पर अप्लाई करना है और PMC मेरिट लिस्ट वगैरह 4 जनवरी को नेक्स्ट हियरिंग है उस वक्त तक लगा सकती है। और इसमें उन्होंने मेंशन किया है कि अगर वो एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट कर भी लेते हैं, पोर्टल ओपन कर भी लेते हैं और मेरिट लिस्ट भी लगा देते हैं, तो अगर हाई कोर्ट की नेक्स्ट जो 4th को हियरिंग है उसमें अगर ऐसा कुछ कोर्ट को लगता है कि रिकंडक्ट होना चाहिए MD कैट, तो तब भी रिकंडक्ट होगा बेशक एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ। लास्ट स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर लूँ, लास्ट स्टेटमेंट का मतलब कि डज नॉट फ्रॉम ऑर्डरिंग, जो लास्ट स्टेटमेंट लिखी है, प्लीज़ नोट दैट स्टार्ट ऑफ एडमिशन प्रोसेस डज नॉट बार कोर्ट फ्रॉम ऑर्डरिंग MD कैट टू बी रिकंडक्टेड, मतलब अगर एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट कर भी देती है तो तब भी अगर हाई कोर्ट को लगता है कि काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हुए हैं और उसकी वजह से अगर रिकंडक्ट का ऑर्डर देती है तो स्टार्ट होने के बाद भी दे सकती है कोर्ट। तो ये थी उनकी। और नेक्स्ट इसी में उन्होंने रिप्लाई किया, स्टूडेंट्स अक्रॉस पाकिस्तान इंक्लूडिंग पटिशनर्स फ्रॉम लाहौर विद कंप्लेंट्स ऑफ आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस कैन नाउ आफ्टर रिलीज ऑफ रिजल्ट एंड अनाउंसमेंट बाय PMC दैट इट हैड नॉट डिलीटेड एनी क्वेश्चन। अब स्टूडेंट्स ने कहा कि हमें ग्रेस मार्क्स वगैरह नहीं दिए गए, तो जिब्रान नासिर सर कह रहे हैं कि जो जिन जिन स्टूडेंट्स ने की हुई थी पटिशन वगैरह लाहौर वगैरह और हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था ग्रेस मार्क्स दिए जाएं, तो वो अब जाके पटिशन जो अपनी दायर कर सकते हैं कि हमें ग्रेस मार्क्स नहीं दिए गए, जो MCQs हैं डिलीट नहीं किए गए। तो इसकी हियरिंग जो है नेक्स्ट 4th को है, बाकी कोई अगर कुछ और अपडेट होती है तो वो भी आपसे शेयर की जाएगी। तो अब इसमें एक चीज़ थी कि जब सेकेंड जो इशू था, इसमें जो लिस्ट से मैच नहीं कर रहे थे और रिज़ल्ट में इश्यूज थे मेजर जो, तो उसका भी जिब्रान नासिर सर ने जिक्र किया, तो उसके बाद जब ये हेयरिंग होगी उसके बाद ही PMC ने रिज़ल्ट जो है रिमूव किया था और एब्सेंट स्टेटमेंट वहाँ पे लिखी हुई थी कि जो
एबसेंट इश्यूज की वजह से रिज़ल्ट जो है रिमूव कर दिया गया। अब इसमें मेनली जो रिज़ल्ट आएगा, इसमें जो एबसेंट हैं जिनका रिज़ल्ट में आ रहा था एबसेंट, उनका इशू रिजॉल्व होगा, और बाकी जो इसके अलावा वो जो गज़ट था, लिस्ट थी, उसमें गलतियां थी, वो रिजॉल्व होंगी। बाकी जो ग्रेस मार्क्स को आपको लग रहा है कि नहीं मिले और आपको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, ये अभी तक जो है एक्सपेक्टेड नहीं है अभी जो रिज़ल्ट आएगा। तो पीएमसी ने अभी यही करना है कि जो इश्यूज़ मेजर सामने इश्यूज़ आए हैं वो रिजॉल्व कर देगी, और नेक्स्ट जो है 4 जनवरी को हेयरिंग है, तब तक पता नहीं क्या होता है, तब जाके आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यू उसका रिप्लाई पीएमसी ने 4 जनवरी में करना है। ये जो इश्यूज़ जो है मोटे मोटे जो इश्यूज़ हैं एबसेंट वाले और मेरिट लिस्ट वाला गजट वाला इशू, ये भी रिजॉल्व करेगी, और आउट ऑफ सिलेबस का जवाब जो है कोर्ट को 4 जनवरी को देगी। तो नेक्स्ट जो है अली रजा साहब का एक फेसबुक पर आया मैसेज ये सर्कुलेट कर रहा है कि वी विल नॉट अपलोड एमडी कैट 2020 रिजल्ट अगेन अनटिल वी आर सेटिस्फाइड दैट इट इज़ नाउ कम्प्लीटली एरर फ्री। वी विल आल्सो प्रोवाइड पेपर रीचेक फॉर्म फॉर स्टूडेंट्स हु आर नॉट सेटिस्फाइड। तो रिजल्ट जो है आपका कह रहे हैं कि जो दोबारा नहीं अपलोड करेंगे जब तक सेटिस्फाई नहीं हो जाते कि बोर्ड ठीक है। तो पहले जो अपलोड किया रात को उस वक्त भी तो सेटिस्फाई होके करना चाहिए था, और अब कहा गया लास्ट में कि आपको रीचेक फॉर्म भी दिया जाएगा, उसमें क्या प्रोसीजर होता है, ज़्यादा कोई एक्सपेक्टेशन वगैरह नहीं की जा सकती। तो ये था सारा था माजरा कि अभी आपके करेक्शन जो होगी, नॉर्मली सबके मार्क्स वगैरह वही रहेंगे, बस एबसेंट जिनके थे उनकी जगह उनके मार्क्स आ जाएंगे। काफ़ी नोटिफिकेशंस और पोस्ट वगैरह यहाँ नहीं शेयर की जा सकती, तो वो शेयर हो रही होती हैं फेसबुक पर, एडमिशन वाले उस्ताद फेसबुक कम्युनिटी ग्रुप में। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में मैं दे दूंगा, जो स्टूडेंट ने ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर सकते हैं फर्स्ट कमेंट से क्लिक करके, एडमिशन वाले उस्ताद फेसबुक कम्युनिटी ग्रुप, उसमें सारे नोटिफिकेशन पोस्ट वगैरह सब कुछ शेयर किया जा रहा होता है। और ये सामने जो है वीडियो शो रही होगी, इसमें कंप्लीट जो है स्टैटिस्टिक्स रिजल्ट्स वगैरह की मैंने डिटेल बताई है, एक्सपेक्टेड मेरिट वगैरह की थोड़ी सी डिस्कशन की है, ये सामने आप देख सकते हैं। वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है, और जो स्टूडेंट इस चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट अपडेट्स के नोटिफिकेशन आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।